नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो दोस्तों, हमारी बात चल रही थी राजनीतिक दलों के बारे में, और जिसमें हमने पढ़ लिया था ला पोलम्ब्रा, माइरन विनर और एलन बॉल का जो वर्गीकरण था राजनीतिक दलों का, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मॉरिस दुर्वेजर है उनके सिद्धांत के बारे में। इसके अलावा जो राजनीतिक दलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो मॉरिस दुर्वेजर थे, वो फ्रांस के विचारक थे, और इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें राजनीतिक दलों का क्या है विश्लेषण प्रस्तुत किया है। देखो, मॉरिस जो दुर्वेजर थे उन्होंने अपनी पुस्तक थी पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें दल प्रणाली और निर्वाचन प्रणाली दोनों में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि दल प्रणाली प्लस निर्वाचन प्रणाली दोनों में इन्होंने क्या है संबंध स्थापित किया था। और इन्होंने जो फ्रांस की, अब फ्रांस के ही रहने वाले थे, तो फ्रांस की जो दलीय व्यवस्था थी उसी के आधार पर इन्होंने क्या है दलों का विभाजन किया था। तो मॉरिस दुर्वर्जर के अनुसार राजनीतिक दल कोई समुदाय नहीं है बल्कि समुदायों का समुदाय है। यानी इनका ये कहना था कि जो दल बनते हैं वो बहुत सारे समुदायों से मिलकर बने हुए होते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर समुदाय की अगर हम बात करेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा, दबाव समूह हो जाएगा। भाई किसी जाति विशेष का या किसी समुदाय विशेष का है तो वो तो दबाव समूह है, वो राजनीतिक दल नहीं है। तो ये समुदायों का समुदाय है क्योंकि ये देश भर में फैले हुए विभिन्न छोटे छोटे समुदायों का क्या है संगठन है। यानी बहुत सारे समुदाय मिलकर क्या है राजनीतिक दल बनाते हैं। तो ये हमने पहले पढ़ा भी था, राजनीतिक दल और दबाव समूह में जो अंतर होता पढ़ा था उसमें ये हमने पढ़ा भी था कि जो दल होते हैं वो बड़े होते हैं और जो दबाव समूह होते हैं वो क्या होते हैं छोटे होते हैं। तो ये क्या होता है छोटे छोटे संगठनों से क्या है मिलकर बना होता है। तो दुर्वर्जर ने अपनी पुस्तक थी पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें राजनीतिक दलों से संबंधित तीन सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो सबसे पहले तो हम सिद्धांत देख लेते हैं, ये स्वाभाविक दोहरेपन का सिद्धांत, पहला सिद्धांत है स्वाभाविक दोहरेपन का सिद्धांत। तो मॉरिस दुर्वर्जर के अनुसार सामान्य बहुमत प्रणाली में तीसरा दल अधिक महत्व नहीं रखता है, क्योंकि उसका अकेले का महत्व नहीं होने के कारण वह किसी ना किसी अन्य दल के साथ हो जाता है, जिससे अंततः द्विदलीय प्रणाली का विकास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान, तो यहाँ अभी हाल फिलहाल में जो बसपा के विधायक आए जीत कर आए थे उनका किस में विलय हो गया था, कांग्रेस में विलय हो गया था। इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार आई थी, पिछला जो कार्यकाल था, पिछला बीजेपी का उससे पिछला था, उसमें भी यही हुआ था। यानी अब 5-6 सीटें आती हैं उनकी, तो वो क्या करते हैं दूसरे दल के साथ या कांग्रेस के साथ जो भी उनको उपयुक्त लगता है उसके साथ विलय हो जाते हैं, तो पार्टी वापस घूम फिर के वही द्विदलीय के ऊपर आ जाती है। फिर दूसरा जो सिद्धांत आता है वो आता है यथास्थिति का सिद्धांत। तो प्रतिपादक थे इसके सीलीज। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि सामान्य बहुमत प्रणाली में यदि तीसरा दल मजबूत स्थिति में होता है तो वह अन्य दल के साथ नहीं मिलता, अतः ऐसी प्रणाली में द्विदलीय प्रणाली का विकास नहीं होकर यथा स्थिति बनी रहती है। यानी कहने का मतलब अगर सीटें इस प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, मतलब किसी के पास 50 है, किसी के पास 60 है, किसी के पास 70 है, तो इस प्रकार से अगर सीटें आ जाएं तो वो आपस में संगठन नहीं बनाकर क्या स्थिति एक तरह से यथा स्थिति रह जाती है, जैसी थी वैसी की वैसी स्थितियाँ रह जाती है। तीसरी चीज आती है वो आती है बहुदलीयता का सिद्धांत। तो मॉरिस दुर्वर्जर के अनुसार यदि किसी देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रचलित होती है तो उस देश में दलों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि उस प्रणाली में छोटे छोटे अल्पसंख्यक वर्गों व दलों को भी आंशिक रूप से प्रतिनिधित्व मिल जाता है, अतः आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय प्रणाली को जन्म देती है। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उससे क्या है सभी को प्रतिनिधित्व मिल जाता है, और विशेषकर जैसे अल्पसंख्यक वर्ग है तो इनको भी क्या है प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो जितना प्रतिनिधित्व मिलेगा उतना ही जो दल है वो बढ़ेंगे। तो ये किसको बढ़ावा देती है, जो बहुदलीयता का सिद्धांत है बहुदलीय प्रणाली को बढ़ावा देती है। तो मॉरिस दुर्वर्जर ने जो ये राजनीतिक दलों के जो चार तत्व बताए थे इन्हें चतुर्थ आयामी दलीय संरचना कहते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं चतुर्थ आयामी। ये चार आयाम बताए थे, तो चतुर्थ आयामी दलीय संरचना थी जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है कोकस,
या जुंडली। तो आपको सीक्वेंस भी यही ध्यान रखना है, कोकस, ब्रांच, सेल और मिलिशिया। कोकस यानी जुंडली, शाखा या फिर सेल या फिर मिलिशिया, तो इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है। तो मॉरिस दुर्वजर के अनुसार कोकस राजनीतिक दल की अत्यंत छोटी इकाई होती है और सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। छोटी तो है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, छोटा है मगर खोटा है, क्योंकि इसमें राजनीतिक दल के सबसे महत्वपूर्ण नेता क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जो दल संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। यानी कहने का मतलब जो ऊपर वाले, जिनको हम अभिजन कह सकते हैं, वही क्या है इसमें निर्णय लेते हैं। और ये क्या है, ये जो कोकस वाले दल हैं, ये क्या चुनाव के समय क्या ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, सामान्य दिनों में क्या ज़्यादा सक्रिय व्यवहार नहीं दिखाते हैं। तो और इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं वो कौन लेते हैं, वो इनके शीर्ष वाले नेता लेते हैं। दूसरी चीज़ आती है ब्रांच या शाखा। तो राजनीतिक दल की वह इकाई जो दल और जनता के बीच में क्या है, संपर्क स्थापित करती है, अर्थात दल का जो अंग दल की नीतियों और कार्य जो कार्यक्रम है उनको जनता तक पहुंचाती है, तथा जनता की राय और दृष्टिकोण को दल के उच्चाधिकारियों तक पहुंचाती है। इस अंग को क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, केंद्रीय नेतृत्व के अधीन काम करते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि ये वर्ष भर सक्रिय रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जनता प्लस जो नेता हैं उनके बीच के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो उनको मिलाने वाले हैं, वो क्या है, इस श्रेणी में आते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, ब्रांच, यानी जो नेता है, नेता प्लस जनता, जो दल और जनता के बीच संपर्क स्थापित करें, वो इनका काम है। तीसरा आता है सेल। तो सेल क्या होता है, ब्रांच से छोटा होता है और ये शासक दलों की व्यावसायिक इकाई के रूप में काम करता है। व्यावसायिक मतलब जो भी इनका लेन देन है वो सब कौन संभालता है, यही संभालता है, कौन, सेल या प्रकोष्ठ। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, प्रकोष्ठ कहलाती है। चौथी है मिलिशिया या सैनिक दस्ता। तो इसके तहत क्या होता है कि राजनीतिक दल की वह इकाई जो सैनिक संगठन के रूप में काम करती है, मिलिशिया कहलाती है। ऐसी इकाई मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, जो सर्वाधिकारवादी दल है वहाँ पाई जाती है। जैसे हिटलर के नाजी दल में तूफानी दस्ता था, मुसोलिनी का हलचल दस्ता था, ये वाले क्या है, मिलिशिया में काउंट किए जाते हैं। यानी मुख्यतः ये क्या, सैन्य व्यवस्था और जो तानाशाही वाले देश हैं उनमें ये दल आते हैं, जैसे नाजी दल और फासी दल सीधा सा ही है। इसके बाद राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजनीतिक दलों की जो उत्पत्ति के सिद्धांत है वो हमने पढ़े थे पहले, फिर भी एक बार देख लेते हैं। संस्थागत सिद्धांत है, वो विस्तार से इसके ऊपर चर्चा हमने करी थी। तो संस्थागत सिद्धांत ये कहता है कि राजनीतिक जो दल हैं वो राजनीतिक व्यवस्था के जो संस्थागत परिवेश हैं इसी में क्या है, पैदा होते हैं। जैसे विधि निर्माण करने वाली संस्था है, तो विधानमंडल और संसद है, ये विधि का निर्माण करते हैं। नीतियाँ कौन बनाते हैं, मंत्रिपरिषद बनाती है। तो राजनीतिक दलों को उत्पन्न करने में ये जो संस्थाएं वो क्या होती हैं, सहायक होती है। इसके अनुसार राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक संस्थाओं की क्या है, उपज है। यानी संस्थागत सिद्धांत था। तो ये ला पोलम्ब्रा और मायरन विनर ने भी ये सिद्धांत दिए थे, जिसमें संसद सत्ता में बिखराव है, निर्वाचन प्रणाली है, इस प्रकार से उन्होंने संस्थागत सिद्धांत के भी अलग अलग प्रकार बांटे थे। तो यह हमने पहली वीडियो में पढ़ रखा है, ऐतिहासिकता का सिद्धांत है। जब राजनीतिक व्यवस्था के सामने कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाए, जैसे वैधता का संकट है, सहभागिता का संकट है, या एकीकरण का संकट है। और तीसरा जो सिद्धांत आता है, विकासवादी सिद्धांत। इसकी मान्यता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण हो रहा है, विकास हो रहा है, जैसे जैसे लोगों का संचार के साधनों का विकास हो रहा है, वैसे वैसे क्या है, लोगों में चेतना जागृत हो रही है और नए नए राजनीतिक दलों का क्या है, वो निर्माण कर रहे हैं। वैसे ही सामाजिक सामूहिकता, लोग समूह बनाकर क्या है, राजनीतिक दलों की उत्पत्ति हो रही है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष के आधार पर या किसी जाति विशेष के आधार पर क्या है, नए नए राजनीतिक दल उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब विचारधारा के आधार पर भी दल होते हैं, जैसे जनवादी दल है, केडर पार्टी वाले जो ये हैं, अभिजनवादी दल है। आकार के आधार पर हमने बात करी थी, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ दलीय प्रणाली के दोष के बारे में। तो दोष जनता में कटुता एवं विद्वेष पैदा करते हैं, लोगों के बीच लड़ाई करवाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो खतरा है लोवेल का, कि राजनीतिक क्या है, दल हैं वो विचारों के क्या हैं, दलाल हैं, दलाल हैं एक तरह से,
लोगों में विचार चेंज करते रहते हैं। बीजेपी वाले हैं उनका विचार अलग होते हैं, कांग्रेस वाले हैं उनके विचार अलग होते हैं, तो दलाल बने हुए हैं। बस क्या है, विचार चेंज करते हैं लोगों के, और कुछ काम नहीं इनका। विचारधारा चेंज करेंगे वैसे वैसे इनका क्या वोट बैंक बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। वो जो मैंने बात बताई कि सरपंचों के चुनाव होते हैं या तो आपस में बुलाते नहीं कि भाई उसने इस पार्टी को वोट दिया था और इसने इसको दिया था, तो आपस में आनजानी यानी दो टुकड़े हो जाते हैं, क्षेत्र बट जाता है पूरा दो भागों में। दलीय प्रणाली में योग्य एवं सर्वोत्तम लोगों की अपेक्षा चापलूस अधिक फायदा उठाते हैं, तो ये बात भी सत्य है कि एक अयोग्य के कारण कई योग्य हार गए और एक योग्य के कारण कई अयोग्य जीत गए, ऐसा होता है कई बार। गुटबंदी की समस्या पाई जाती है, जैसे सचिन पायलट वाला खेमा अभी जो चल रहा है राजस्थान में कांग्रेस में। दलीय प्रणाली में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस में अभी कोई चुनाव वगैरह नहीं होते हैं, जो उसको लोकतंत्र सिद्ध कर सके। यानी अध्यक्ष इसको बनाना है भाई, यहाँ सोनिया जी को बनाना है, सोनिया जी के बाद अध्यक्ष इसको बनाना है, राहुल जी को बनाना है। यानी कहने का मतलब आंतरिक पार्टी के अंदर भी कोई लोकतंत्र नाम की चीज़ें नहीं होती, दल के अंदर ये आंतरिक लोकतंत्र नहीं पाया जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा विचारधारा के स्थान पर अवसरवादिता को बढ़ावा देना, जिधर मौका मिला उधर ही क्या है चल देना। दल बदल की समस्या ज़्यादा होती है, राजनीतिक दलों में गैर संवैधानिक साधनों और काले धन का बढ़ता उपयोग है। राजनीतिक दल द्वारा आपराधिक छवि वाले जो बाहुबली हैं उनको ज़्यादा टिकटें मिलती हैं। दलीय प्रणाली में निर्वाचन के दौरान चुनावी हिंसा, बूथ कैप्चरिंग इत्यादि प्रवृत्तियाँ भी देखने को मिलती हैं, तो ये सब दलीय प्रणाली के दोष हैं। अब कुछ ये शब्द हैं, जैसे ये गेरीमैंडरिंग ज़्यादा प्रचलित शब्द है, जिसको जेरीमैंडरिंग भी लिखा रहता है, तो गेरीमैंडरिंग हम पढ़ते हैं इसको अमूमन। तो अमेरिका के जो प्रांतीय गवर्नर थे एलब्रिज गेरी, ये जेरी है, इनके नाम पर जेरीमैंडरिंग निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण का वह तरीका है जिसमें सत्ताधारी दल अपने विरोधियों को एक निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रित कर देता है, खुद के उम्मीदवार न्यूनतम मतों से विजयी हो और विपक्षी दलों के उम्मीदवार अधिकतम अंतर से जीते ताकि उनके मत व्यर्थ चले जाएं। निर्वाचन निर्धारण के इसी तरीकों को क्या कहते हैं, जेरीमैंडरिंग कहते हैं। यानी सीधा सा देखो इसमें क्या तरीका अपनाया जाता है, मान लो ये दो क्षेत्र हैं, अभी जैसे हाल फिलहाल में कांग्रेस ने खूब इसका फायदा उठाया था, तो मान लो यहाँ प्योर बीजेपी के हैं इसमें वोटर्स, और यहाँ कुछ बीजेपी के हैं कुछ कांग्रेस के हैं, यानी 50-50 हैं। ऐसा संभव है कि जीत भी सकता है नहीं भी जीत सकता, जैसे मान लो कांग्रेस का इधर, तो ये क्या करते हैं परिसीमन के नाम पर यहाँ वाला जो इलाका है कुछ इलाका ये इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ये इलाका इसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई इधर तो जीतना बीजेपी का ही है, इसमें जीतना कौन है, बीजेपी वाला जीतना है। तो यहाँ फिर क्या हो जाती है, कांग्रेस की जीत क्या हो जाती है, तय हो जाती है भाई यहाँ के आधे वोट बीजेपी वाले जो कट्टर बीजेपी थे वो यहाँ आ गए। यहाँ जो जीत तो रहा ही था, चाहे वो एक वोट से जीते चाहे लाख वोट से जीते, जीत तो एक वो ही होती है। तो इसकी वजह से क्या है, ये कांग्रेस वाला कैंडिडेट यहाँ जीत जाएगा। तो ये क्या है प्रणालियाँ अभी प्रचलित है, अभी नगर निगम के इनके चुनाव हुए थे इसमें खूब ये प्रणालियाँ काम में ली गई थी। तो ये होता है इसमें, मतलब एक ही पार्टी को या अपनी जो सत्ताधारी दल है वो जितवाने के लिए क्या कर देते हैं, परिसीमन छोटे छोटे कर देते हैं। तो ये जेरीमैंडरिंग दो तरीके से की जाती है, एक तो होती है पैकिंग, यानी एक पार्टी के अधिकाधिक मतदाताओं को एक निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रित कर देना ही क्या है, पैकिंग है। और दूसरी चीज़ आती है क्रैकिंग, यानी किसी राजनीतिक दल के समर्थकों को अलग अलग क्षेत्र में बिखेर देना ही क्या होता है, क्रैकिंग होता है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग बिखेर दिया जाता है उनको, मान लो एक ही क्षेत्र है इसमें बहुत सारे, तो इसके कुछ पार्ट कर देंगे, भाई इधर वाला पार्ट इसमें चला जाएगा, ये वाला पार्ट इसमें चला जाएगा, ये वाला पार्ट इसमें और ये वाला पार्ट इसमें, इस प्रकार से क्या कर देते हैं, इसको बिखेर देते हैं। तो ये जो क्षेत्र है उसमें जहाँ जीतने की संभावना रहती है कैंडिडेट की, वो क्या हो जाती है, न्यून हो जाती है। फिर है फिलिबस्टरिंग, तो विधानमंडल में किसी सदन में एक व्यक्ति केवल एक बार या केवल एक ही विषय पर बोले ताकि सदन के समय का दुरुपयोग नहीं हो और अन्य सदस्यों को भी अवसर प्राप्त हो जाए। इसी संदर्भ में फिलिबस्टरिंग शब्द क्या प्रयोग में लाया गया है, और ये आज की लेटेस्ट खबर है राजस्थान विधानसभा की, कि अन्य विधायकों को क्या बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। मतलब 50 तो विधायक ऐसे हैं जिनको माइक ही नहीं दिया गया है, तो ये भी चीज़ है, इसका भी क्या ध्यान रखा जाना चाहिए।
फिर जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है निर्वाचन थकान। तो बार बार चुनाव होने से निर्वाचकों में पैदा होने वाली जो राजनीतिक उदासीनता है उसको निर्वाचन थकान कहते हैं। लगातार चुनाव होते हैं तो बोला ठीक है यार, ये तो चुनाव आते रहते हैं, चलो बढ़ने दो, कौन वोट देने जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा कि भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रथम जो समर्थक थे वो थे एमन राय थे, और दल विहीन लोकतंत्र के जो सबसे बड़े समर्थक थे वो कौन थे, जेपी नारायण थे। तो राजनीतिक दलों के जो तत्वों के बारे में अब बात करें, घटकों के बारे में, वैसे तो हमने सारी बातें कर ली है, तो ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था। एक तो इनका निश्चित संगठन होता है, यानी स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन होता है, अध्यक्ष है, महासचिव है, ग्रामीण क्षेत्र तक क्या है इनकी पहुंच होती है। सदस्यता होती है बड़ी व्यापक होती है, और एक व्यक्ति एक समय में एक ही दल का क्या है, सदस्य रह सकता है। दबाव समूह में ये शर्त नहीं है। विचारधारा होती है पर्टिकुलर, एक विचारधारा, जैसे कांग्रेस की विचारधारा अलग है, बीजेपी की विचारधारा अलग है। उद्देश्य होते हैं इनके कुछ पर्टिकुलर उद्देश्य होते हैं, सत्ता प्राप्ति है, राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति है, बहुमत प्राप्ति है, अपने जो विचारधारा उसके आधार पर नीतियाँ बनानी है, ये सारे इनके क्या होते हैं काम, ये उत्पत्ति के ये क्या होते हैं चरण होते हैं, यानी इन इन विचारों के आधार पर क्या राजनीतिक दल ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। कार्य क्या होते हैं, निर्वाचनों का संचालन है, शासन का संचालन है, सरकार की आलोचना करना है, यानी अगर विपक्ष में बैठते हैं तो आलोचना करना है, नेताओं की भर्ती है, जनमत निर्माण में सहायक हैं, यानी पब्लिक पब्लिक को मोटिवेट करते हैं, राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक चेतना व राजनीतिक शिक्षा के साधन है, शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करते हैं, जनता एवं सरकार के बीच की योजक कड़ी हैं, राजनीतिक दल राजनीतिक आधुनिकीकरण के साधन हैं। आधुनिकीकरण मतलब लोगों में चेतना जागृत करते हैं और जनता की मांगों को वैधानिक रूप प्रदान करते हैं। जनता की कोई मांग है तो उसको वैधानिक रूप भी कौन प्रदान करेंगे, दलों दल के माध्यम से ही वो क्या संसद में पहुंचेंगे मांग, नहीं तो संसद में नहीं पहुंचेंगे। तो ये तो कोई ज़्यादा विशेष समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं। तो ये राजनीतिक दलों से संबंधित जो अपनी चीज़ें थी वो लगभग लगभग क्या इसमें क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा भी ये सिगमंड न्यूमैन का वर्गीकरण आता है, आमंड का वर्गीकरण आता है, कई सारे जो स्ट्रोम हैं, लेनिन है, इनका भी क्या है वर्गीकरण आता है। तो ये सब ने अपने अलग अलग हिसाब से बताए। मिचेल्स का वर्गीकरण है जो तो हमने कई बार पढ़ा है, अल्पतंत्र जो गुणतंत्र का लोअर नियम था वो था, किर्चाइमर का आता है, एंथनी डाउन्स का आता है, यानी ज़्यादातर विचारकों ने अपने हिसाब से इनको क्या है बताया है राजनीतिक दलों का वर्गीकरण। तो इसके बाद एक छोटा सा वीडियो और देखेंगे जिसमें राजनीतिक दलों के समर्थक हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो और जो एक दो विचारक बचे हुए हैं उनका जो राजनीतिक दलों का वर्गीकरण है वो और देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आज का वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें, और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।